Assalamu alaikum, I'm Dr. Shaila Tariq. I'm working as consultant pediatrician in Services Hospital and currently practicing in Unicare Medical Center. Today I'm going to discuss about PICA. What is PICA? PICA is an eating disorder in kids in which they like to eat non-food, non-nutritive substances. बच्चे मट्टी खाना पसंद करते हैं, पेंट खाना पसंद करते हैं, स्टोन्स खाते हैं, पेपर खाते हैं. और इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं. एक तो ये ज़्यादा कॉमन है, इट इज़ मोर कॉमन इन चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ और विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स और इन किड्स हु हैव ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और इन किड्स विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. पाइका इज़ बेसिकली एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच अ किड ईट्स नॉन फूड सब्सटेंसेस फॉर मोर देन अ मंथ. और यूजली जो है बच्चे जो हैं, कुछ छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको वैसे एक्सप्लोर करने की आदत होती है, वो हर चीज़ उठा के मुंह में डालते हैं. तो दैट इज़ नॉट पाइका. तो वो दैट इज़ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर देम. तो एक बच्चा जो यूजली दो साल से बड़ा है और वो चीज़ें डाल रहा है, परसिस्टेंटली डाल रहा है फॉर मोर देन अ मंथ, देन वी लेबल इट एज पाइका. लेकिन ये नॉर्मल बच्चों में भी हो सकता है. उसमें क्या वजूहत हैं, उसमें हम डिवाइड करते हैं. उसमें भी साइकोलॉजिकल कॉजेज हो सकती हैं और फिजिकल कॉजेज हो सकती हैं. उसमें जो साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं, उसमें स्ट्रेस, साइकोसोशल स्ट्रेस हो सकती है, मेटरनल डेप्रिवेशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, निगलेक्ट हो सकता है. और जो फिजिकल कॉजेज हैं, उसमें बहुत सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, लाइक आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम. पाइका की कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आता है, उसमें अगेन एक तो इसकी कॉज भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, दूसरा इसकी वजह से मज़ीद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है. वही तमाम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी फर्दर जो है डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है. इसके अलावा जो है इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, बच्चे को बार बार डायरियाज होंगे, इन्फेक्शन होगा. इसके अलावा जो है वर्म इन्फेस्टेशन होना शुरू हो जाती है. वर्म इन्फेस्टेशन जो है जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं पेट में कीड़े पड़ जाना, तो वो उसकी वजह से मज़ीद अनीमिया जो है, खून की कमी मज़ीद होना शुरू हो जाती है. इसके अलावा जो इसका बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट है वो है लेड पॉइजनिंग. जो पेंट होता है उसमें लेड होता है, तो वो अगर बच्चा परसिस्टेंटली जो है वो पेंट खाता रहे तो उसकी वजह से लेड पॉइजनिंग हो जाती है, जो कि मल्टी सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, पर्टिकुलरली उसमें ब्रेन डैमेज होता है. अब इसको मैनेज कैसे किया जाए? मैनेज करने में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को अब सबसे पहले तो जब इन कंप्लेंट के साथ बच्चा आ रहा है तो उसको डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाया जाए और उसको प्रॉपरली उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री यानी डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया जाए और उसको उसकी जो न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज है उसके लिए चेक किया जाए और जो उसके जो लेड लेवल्स हैं वो करवाए जाएँ, टॉक्सिसिटीज़ के लिए उसको देखा जाए. इसके अलावा जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसकी इसकी जो मैनेजमेंट में जो फैक्टर है वो है इसमें बिहेवियरल थेरेपी जो है वो की जा सकती है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की जा सकती है थ्रू पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट. उसमें जो उसका डिज़ायर्ड आउटकम है वो आपने लाना है और जो अनवांटेड उसका बिहेवियर है उसको एलिमिनेट करना है. इसके अलावा जो है इसके लिए आपको थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत हो सकती है. इसके अलावा आप उसमें जो उसकी न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज हैं उनको करेक्ट करेंगे. इसके अलावा जो वर्म इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए उसमें इसको डीवर्म करेंगे, उसके लिए कुछ मेडिसिन आती हैं जो आपका पीडियाट्रिशियन आपको बताएगा. इसके अलावा अगर लेड पॉइजनिंग है तो उसके लिए स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो उसको दी जा सकती हैं. जो इसकी बिहेवियरल थेरेपी है उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को शेम ना किया जाए, उसको बहुत कोई पनिशमेंट ना दी जाए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स ना दी जाए और उसको आप बहुत उसको बहुत पोलाइटली और फ्रेंडली वे में कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ फूड बेटा, दिस इज़ वी डोंट ईट दिस थिंग्स, वी ईट ओनली फूड एंड थिंग्स लाइक दैट. और पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट से आप उसको बेहतर कर सकते हैं. उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा.